आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस हैं। इन बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप भाई पूरी साल बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इन प्रोडक्ट को आप केवल 25 से 28 रुपए में ले सकते हो और इनको आप मार्केट में 90 रुपए पर किलो के हिसाब से सेल कर सकते हो। और आपको पता है भाई कि मैं कोई झूठी वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो जो प्रोडक्ट को आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कैसी क्वालिटी को खरीदना है, कौन सी मंडी से खरीदना है, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और खरीदने के बाद इनको सेल कैसे किया जा सकता है, इनका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जमाना बदल रहा है, अब पूरी तरह से बिजनेस जो है वो ऑनलाइन की ओर जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहते हो, अपने बिजनेस की अच्छी खासी वेबसाइट बनाना चाहते हो, या अपने जो सेल हैं इनको डिजिटल तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सारी जानकारी के लिए मैंने भाई बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनाई है, जिनकी लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखना। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लहसुन के होलसेल बिजनेस के बारे में। जी मित्रों, लहसुन भी आपको बहुत कम रेट में मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। लहसुन का जो बिजनेस है वो आप प्याज और आलू के बिजनेस के साथ में भी कर सकते हो। अगर आपने मेरा प्याज और आलू वाला वीडियो नहीं देखा है तो इन दोनों के वीडियो के भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन बिजनेस को स्टार्ट न करिए। आप कम से कम ऐसी होलसेल शॉप में ज़्यादा नहीं मगर एक महीना काम कीजिए। उनसे बोलिए कि भी अगर आपको सैलरी देनी हो, नहीं देनी हो, जो देनी हो देना, मगर मुझे काम करना है, बाद में आप सैलरी कर लेना, मगर अभी मुझे नौकरी पर रख लो। तो भाई हमारे देश में मुफ्त में अगर कुछ भी मिल रहा है तो हर बंदे को चाहिए, तो जो दुकानदार है वो आपको अपने शॉप में रख लेगा। और आपको वहाँ देखना है कि माल कहाँ से आ रहा है, इनकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी को कैसे पहचाना जाता है, हर अलग अलग क्वालिटी की क्या क्या रेट होती है, कितना प्रॉफिट है, वो सारी बातें आपको सीख जाना है। ये सीखने के बाद जो है फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि भाई जो लहसुन है वो आपको मंडी में 6 रुपये से लेकर 70 रुपये या इनसे भी महंगा मिलेगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इनके अलग अलग जो क्वालिटी हैं, इनके फ़ोटो वगैरह के बारे में। तो जो इनकी जो क्वालिटी है वो आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन बिजनेस में एक बात जो है वो बहुत अहम है कि जो लहसुन है इनको आप ज़्यादा दिन तक स्टॉक नहीं कर सकते। अगर आप इनको स्टॉक करना चाहते हो तो इनका प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। वैसे ही अगर आप लहसुन खरीदा और अपने घर पर लाकर आपने इनको रख दिया 4 महीना 6 महीने तक कि भी चलो अब रेट कम है, जब रेट बढ़ेंगे तब हम इनको बेचेंगे, तो ऐसे इन बिजनेस को नहीं किया जा सकता है। आपको क्या करना है, माल खरीदना है और इनको तुरंत ही तुरंत बेच देना है, अपने पास नहीं रखना है, वरना आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। देखिए इन बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपको एक गोडाउन खरीदना है, यानी कि आप भाड़े पे भी इनको ले सकते हो। 200 चौरस फुट से लेकर 500-600 चौरस फुट की जगह में जो है वो आप गोडाउन बना सकते हो और वहाँ अपना माल रख सकते हो। अब आपको होलसेल में करना है तो आपको मार्केट के बीचों बीच गोडाउन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो आपको हाईवे टच जहाँ सस्ता गोडाउन मिलता है वहाँ से आपको गोडाउन खरीद लेना है और अपने माल को वहाँ रखना है बेचने के लिए। अब जो लहसुन है वो हमारे देश में ज़्यादातर गुजरात का और एमपी का चलता है। देखिए अगर आप गुजरात से ना हो, एमपी से ना हो, कई और स्टेट से हो, तो आपको जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुरंत आपको न गुजरात जाना है ना एमपी जाना है, अपने ही स्टेट में जहाँ आपके आसपास में जो लहसुन की मंडी होती है या जो बड़े होलसेलर हैं इन लोगों के पास से जो है वो आपको स्टार्टिंग में लहसुन खरीद लेना है। स्टार्टिंग बहुत ही कम क्वांटिटी से करना है, क्योंकि बहुत ही कम से स्टार्ट करोगे तो आपको जो है वो इसमें घाटा होने का चांस भी बहुत कम होता है। तो शुरू शुरू में बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो, सबसे पहले इनकी क्वालिटी समझने की कोशिश करो और मार्केटिंग भी साथ में सीखते जाओ कि भी इनको कैसे बेचा जाता है, इसमें कितना प्रॉफिट है,
वगैरह जो भी बातें हैं वो आप सीखते रहो। तो शुरू शुरू में बहुत ही कम खरीदो, कम बेचो, फिर धीरे धीरे आपको लगे कि अभी अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको ज़्यादा खरीद सकता हूँ, ज़्यादा बेच भी सकता हूँ, तो आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदो और ज़्यादा क्वांटिटी में बेच सकते हो। गुजरात और MP के अतिरिक्त UP है, राजस्थान है, पंजाब है, आसाम है, वहाँ से भी आपको लहसुन जो है वो मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ MP की जो एक मंडी है वहाँ से कुछ दो दिन पहले के जो कुछ फोटो और रेट हैं वो हमारे एक दोस्त ने मेरे को भेजा है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए और इनकी क्वालिटी समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि भी अभी मंडी में इनका क्या क्वालिटी का क्या रेट चल रहा है। देखिए ये फोटो को, ये जो लहसुन आपको दिख रहा है ये केवल 6 रुपये का लहसुन है। अब देखिए इसमें जो है कचरा वगैरह बहुत है तो इनका रेट बहुत ही कम है। अब इनको अगर आप खरीद लोगे तो खरीद के तुरंत आपको मार्केट में नहीं बेच सकते, इनको खरीदने के बाद जो है ज़्यादातर अगर आपको कलियां मार्केट में बेचनी हो तो आप इस टाइप का लहसुन खरीद सकते हो, इनमें से कलियां निकाल देना और जो कलियां मरी हुई हैं इनको आपको साइड में कर देना है और जो कलियां बिल्कुल स्वस्थ हैं इनको आपको अलग करना है और आप मार्केट में इनको सेल कर सकते हो, मगर ये बिल्कुल लास्ट क्वालिटी का है। ये फोटो देखिए, ये जो लहसुन है इनकी जो प्राइस है वो मार्केट में ये 13 रुपये में बिका है, यानी कि इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ठीक है, बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं है मगर थोड़ी सी ठीक है। मगर इस टाइप के जो लहसुन है वो आपको खरीद के मार्केट में सीधा नहीं बेच सकते, तो वो भी आपका कोई खास काम का नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि भी इनके रेट तो इतने होते हैं, इनके रेट तो इतने होते हैं। भाई हर जो प्रोडक्ट है इनकी जो क्वालिटी है इनके हिसाब से जो है इनका रेट होता है। ये फोटो देख रहे हैं, इनका जो रेट है वो मंडी में 18 रुपये है, यानी कि 18 रुपये पर KG जो है वो ये बिका है। मगर फिर भी इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है क्योंकि इनमें भी कई कलियाँ जो है वो मरी हुई हैं, इनका वजन जो है वो बहुत ही कम है, वैसे देखने में वाइट है मगर फिर भी इसमें की इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। जो फोटो देख रहे हैं ये 28 रुपये किलो का जो है वो लहसुन है। अब वैसे इनकी क्वालिटी अच्छी है, कोई बहुत इतनी बेकार भी नहीं है, इनमें कुछ कुछ कलियां मरी हुई हैं मगर वजन में बहुत अच्छा है और ये वाइट भी हैं, तो इनको आप खरीद सकते हो और अपने यहाँ जो होलसेल में इनको आराम से सेल कर सकते हो। अभी जो है वो लहसुन का लगभग 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास या इनसे भी कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा हीटर में रेट चल रहा है, तो आप इनको अगर आप 28 रुपये में खरीदोगे तो आप इनको 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये तक भी होलसेल में छोटे छोटे व्यापारी को बेच सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और इनका जो रेट है वही 58 रुपये यानी कि 58 रुपये किलो है। ये फोटो है, आप देखते होंगे कि ये तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इनकी जो रेट है वो भी बढ़िया है, ये 68 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडी में बिका है, तो इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही सुपर फाइन क्वालिटी है। अब इनसे भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के वाले जो लहसुन हैं वो मार्केट में बिक रहे हैं, वैसे कि 70 हैं, 75 हैं, 80 रुपये तक बिक रहे हैं। मगर आपको क्या करना है कि आपको कैसे लहसुन लेना है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटो देख लीजिए, ये जो लहसुन है इनका जो रेट है 25 रुपये किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लहसुन वैसे बिल्कुल ठीक है, इसके कलियां वगैरह ठीक है, जो इनका जो वजन है वो भी बिल्कुल ठीक है, मगर इनका जो कलर है वो थोड़ा पीला कलर है, यानी कि बिल्कुल ये वाइट नहीं है, तो थोड़ा पीला होने की वजह से ये रेट में बहुत कम रेट में मिल रहा है। तो गांव में क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो अगर इस टाइप का लहसुन अगर आपके यहाँ चल रहा है या लोग खरीद रहे हैं तो आप इस टाइप का लहसुन जो है वो बहुत ही कम रेट में खरीद सकते हो और अच्छे से रेट में आपके यहाँ सेल कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन बिजनेस को कैसे करना है। देखिए आपने जो है कई सारे लहसुन को देख लिया, वैसे 25 वाला देख लिया, 28 वाला देख लिया, तो जो भी लहसुन जो है वो आपको लगे कि भाई हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और हमारे यहाँ मार्केट में इस टाइप का लहसुन ही बिक रहा है, तो आपको इस टाइप का जो लहसुन है इनको खरीद लेना है। फिर क्या करना है कि आपको इनको सेल करने के लिए गांव में जाना है। देखिए सिटी की मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में क्या होगा कि आप अपनी एक छोटी सी गाड़ी ले लो, इनमें अपना जो लहसुन है इनको ले लो कोई 4 क्विंटल 5 क्विंटल और इनको लेकर गांव में चले जाओ। गांव में जो है वो किराने वाले जो होते हैं जो वेजिटेबल बेचते हैं गुमटी लगा के लोग, वो भी सारे लहसुन बेचते हैं, तो आपको इनके पास जाना है और इनको किसी को 20 किलो किसी को 50 किलो तो इनके हिसाब से इनको देना है। अब देखिए गांव में जो है वो अभी लहसुन का जो रिटेल रेट है वो 90 रुपये 100 रुपये 120 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप इनको ये 25-27 वाला जो लहसुन है वो इनको आप 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये तक भी सेल कर सकते हो। इनमें आपको पर किलो कम से कम 10 रुपया प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, तो आप शाम होते होते अगर आप 400 किलो 300 किलो भी लहसुन अगर आप सेल कर पाओगे तो भी आप 3 से 4 हज़ार रुपये बड़े ही आसानी से
कमा पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। बाकी आप चाहो तो आपके आसपास में जो होटल हैं, ढाबे हैं, आप वहाँ भी इनको सेल कर सकते हो। अगर आपको लहसुन खरीदना है तो एक दो जो पार्टी हैं होलसेलर, अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हो और लहसुन अपने हिसाब से खरीद सकते हो। दूसरा, अगर आपको इंटरनेट से कहीं पर भी नंबर मिल जाए या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी किसी का अगर नंबर मिल जाए तो आप इनको पेमेंट डाल दो और घर बैठे माल मंगवाओ, ऐसा मत करो। आप इनकी विजिट करो, इनकी शॉप की विजिट करो, इनकी मार्केट की विजिट करो, मंडी की विजिट करो और वहाँ से देखो, फिर बाद में इनको पेमेंट करो और वहाँ से अपने हिसाब से माल खरीदो। बाकी भाई लहसुन की जो है वो YouTube में बहुत वीडियो हैं कि अभी इनकी जो कलियां हैं, इनकी इनके ऊपर जो छिलके हैं इनको निकाल दो और पैक करो और मार्केट में सेल करो। इस बिजनेस को इस टाइप से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको केवल पूरा का पूरा लहसुन खरीदना है और डायरेक्ट मार्केट में सेल करना है, इस टाइप से आपको स्टार्ट करना है। फिर भी अगर आपको सेल करने के नहीं आता है तो भाई मैंने सेल के लिए दो बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई हैं, दोनों की लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, आप इनको जरूर देख सकते हो। इन बिजनेस में अगर हम लाइसेंस की बात करें तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लाइसेंस में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिटी में आपके यहाँ जो नगर निगम है इनके पास से आपको एक परमिशन ले लेनी है और एक छोटा सा लाइसेंस जो होता है वो आपको पहले ले लेना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। बाकी दूसरे जो लाइसेंस है वो उनकी बात बाद में, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पुराने व्यापारी हैं आप इनसे भी बात करोगे, बाकी जो नए व्यापारी आपके पास आएंगे इनसे भी बात करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भी आपको कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कह दिया है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको इनका उत्तर दूंगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।